दोस्तों, औरत को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे औरत के अंगों को देखकर बताया जा सकता है कि फला औरत मर्द के लिए भाग्यशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से औरतों के कुछ अंग साधारण औरतों से भी बहुत बड़े होते हैं और उन्हें भाग्यशाली कहा गया है। जिन महिलाओं के आंखें सामान्य से बहुत बड़ी होती है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पति से वो बहुत प्यार करती हैं और अपने पति पर भरोसा करती है। ऐसी महिलाएं कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती है। इस तरह की महिलाएं जिस भी घर में शादी करती है, उस घर में धन की वर्षा होती है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी महिलाएं देखने में भी बहुत सुंदर होती है। लंबे बालों वाली महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती है। धन की देवी लक्ष्मी की फोटो में उनके बाल हमेशा लंबी दिखाई जाती है। ऐसी महिलाओं से शादी करने वाला इंसान कभी धन की कमी नहीं होता और वे हमेशा खुश रहती है। लंबी उंगली वाले महिलाएं अक्सर बुद्धिमान होती है। इन औरतों को लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसे औरतों को पैसा थमाया जाए तो वो पैसों को सोच समझ कर खर्चा करती है, पैसों को फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं करती। इनमें पैसों को दुगना करने की समझ और कौशल होती है और इस तरह की महिलाएं अपने पति को कभी भी निराश नहीं करती। लंबी नाक वाली महिलाएं शांत स्वभाव की होती है, इसलिए वह किसी भी मुश्किल में शांति से पड़ती है। ऐसी महिलाओं का दिमाग साधारण महिलाओं के दिमाग से तेज चलता है। ऐसी महिलाओं को पैसा खर्च करने का आदत होता है और उन्हें पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, लेकिन ये महिलाएं एक रुपया भी व्यर्थ खर्च नहीं करती है। जो महिलाएं चौड़े माथे के साथ पैदा होती है, वह अक्सर ऐश्वर्य को साथ लेकर पैदा होती है। ऐसी महिलाएं बहुत ही धनवान होती है और ये औरतें अपने पति के हर ख्वाहिश का ध्यान रखती है और ये अपने पति से बहुत शिद्दत से प्यार करती है। ऐसी औरत को घर में लाना मतलब घर में लक्ष्मी को लाने जैसा माना जाता है।